नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी। जी एन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चीफ सिक्योरिटी अफसर अजय कुमार ने बताया कि दिल्ली पूरी तरह सक्षम अपनी रक्षा में। चर्चित दादरी कांड को लेकर निशाना साधा भाजपा पर कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने। सुशील मोदी ने कहा कि गौ मास को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई में एक स्टंटबाज ने 7 बच्चों को किया जख्मी, 4 की हालत गंभीर। खबरें विस्तार से। दिल्ली की सुरक्षा बहुत मजबूत मानी जाती है और कई चुनौतियों भरे मामलों में दिल्ली ने इस बात को साबित भी कर दिखाया। इसी सिलसिले में हमने बात की NDMC इलाके के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर अजय कुमार से, जिन्होंने बताया कि वह आखिर किस तरह दिल्ली की रक्षा करने में सक्षम है। राजधानी दिल्ली जो कि अक्सर निशाने पर रहती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां थोड़ी सी भी हलचल पूरे देश का ध्यान खींचती है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर मासूम बच्चों की बात हो। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली बहुत सख्त मानी जाती है और संवेदनशील भी। JNN न्यूज की टीम ने दिल्ली के NDMC इलाके के सुरक्षा पर वहां बात की अजय कुमार, जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, कि आखिर किस तरह उन्होंने नए उपकरण लगाए और किस तरह उनकी कार्यप्रणाली रहती है कि जिससे NDMC का इलाका ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहे। यहां हम आपको बता दें कि NDMC एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली का पॉश इलाका है और हर समय VIP मूवमेंट के लिए जाना जाता है। सैलानी भी ज़्यादा संख्या में यहां दिल्ली के अन्य भागों के मुकाबले रहते हैं। हमने यहाँ पे अपने क्षेत्र में जो है CCTV हर एक एरिया में सब लगाया गया है और लोगों को जो है समय समय पालिका बजाय कांट प्लेस में सभी जगह जा जाकर स्वच्छ भारत अभियान का भी छेड़ा है स्वच्छता के रिगार्डिंग। और रिगार्डिंग सिक्योरिटी, लोगों को मैंने बताया है कि कहीं भी यदि आपको सस्पिशियस ऑब्जेक्ट या सस्पिशियस पर्सन दिखता है तो आप जो है NDMC कंट्रोल रूम या पुलिस का कंट्रोल रूम में आप जो है सूचित करिए। और मैं 24/7 बेसिस पे काम करता हूँ, रात को 2 बजे 12 बजे अपने से राउंड लेता हूँ हर एक एरिया में और जाकर चेक करता हूँ, देखता हूँ कहीं भी। अगर हम देखें कि दिल्ली एक फेस है, दिल्ली में अगर विमेंस के संग कुछ भी होता है तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है और अक्सर ऐसे दावे खोखले साबित होते हैं। आपने देखा होगा पूर्व में बड़े ऐसे हादसे हुए हैं, तो आगे ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या स्टेप है? हाँ, इसके लिए जो है हम जो है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के जो है सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मुहैया कराता हूँ, अलर्ट रहता हूँ, लोगों को सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी पर्सन को अलर्ट रखता हूँ, सब कुछ रखता हूँ। कहीं कुछ ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत वो पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन करें, NDMC कंट्रोल को फ़ोन करते हैं। उसके अलावा जो है अभी रिसेंटली में 120 महिला को जो है हमने ट्रेनिंग दिया है सेल्फ डिफेंस के बारे में, जो कि चेन ऑफ वर्क है। ये जो है आगे भी अपने बच्चे को बच्चियाँ को ट्रेन करेंगी, सब कुछ करेंगी और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड इनको आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाया है महिलाओं को और उसका भी रिसेंटली जो है उनको ट्रेनिंग दिया है 10 दिन। अजय कुमार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात अगर मानी जाए तो दिल्ली उनके लिहाज से सुरक्षित है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह भी चौकन्ने रहें, क्योंकि जनता के कान और आंख एक मजबूत हथियार हैं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में। JNN ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। मुंबई कल्याणपुर में एक नाबालिग लड़के ने बाइक का स्टंट करते हुए 7 बच्चों को जख्मी कर दिया, जिसमें से 4 बच्चों की हालत गंभीर है, 3 को अभी फिलहाल छुट्टी दे दी गई। क्या है पूरा मामला आप भी देखिए। कल्याण बदलापुर महामार्ग पर हुई यह घटना में बाइक सवार युवक ने स्कूल जा रहे 7 बच्चों को टक्कर मार दी। स्कूली बच्चों को जख्मी अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि स्टंटबाज युवकों को भी बुरी तरह चोट पहुंची। घायल बच्चे सभी मसिया इंग्लिश पब्लिक स्कूल के बताए जा रहे हैं। स्टंटबाज युवक का नाम अरमान खान बताया गया है, जो फिलहाल नाबालिग माना जा रहा है। पुलिस की माने तो कम उम्र के अरबाज खान को उसके अभिभावकों ने बाइक क्यों लेकर दी, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। घायल बच्चों की उम्र 11 से 12 साल के बीच में है। बाकी 3 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आज स्कूल जब इस मसीहा इंग्लिश स्कूल है कल्याण बदलापुर रोड पे, तो बच्चे जब स्कूल में जा रहे थे तो एक लड़का है अरमान अली खान करके, वो अपने बजाज पल्सर से आया और उसने वो बच्चों को भरदाव वेग से आया और उसने बच्चों को उड़ा दिया। 8-9 बच्चे उसमें जख्मी है, लेकिन 4 बच्चे ज़्यादा उसमें फ्रैक्चर है और वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील शर्मा मुंबई से। जी सुनील शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। बिल्कुल जी, अगर यहाँ पे अंबानाज बदलापुर में यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर और यहाँ पे जो कम उम्र के बच्चे हैं यहाँ पे
जो कि उसका उस बच्चे का नाम बताया अकरम बताया जा रहा है, अरमान खान बताया जा रहा है, जो कि बचपन में उसके माँ बाप ने उसको एक बाइक खरीद के दे दी, जो कि बच्चा स्टैंड बाजी कर रहे थे रोड पे, वैसे करने के बाद वहाँ पे स्कूल के बच्चे वो छुटे वहां से स्कूल के बच्चे जैसे बाहर निकले वैसे चपेट मारने से चार सात बच्चे जख्मी हो गए, इसमें जो कि एक बच्चे की मौत हो गई। सुनील इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लोगों को अब समझना होगा कि स्टंट किसी की जान ले सकता है, ये बात अपने ध्यान में रखनी होगी। मुंबई कल्याणपुर में ये घटना अपने आप में कई सवाल छोड़ती है कि आखिर स्टंट कब तक मासूमों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे, आखिर क्यों नहीं इनकी नजर में कानून का डर है, ये तमाम सवाल इस घटना के बाद खड़े होना लाजमी है। जीएनएन न्यूज के लिए मुंबई बदलापुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने चर्चित दादरी कांड का जिक्र किया और इसे इंसानियत की हत्या बताया। दादरी कांड अब बिहार की चुनावी सभाओं में भी मुद्दा बनता जा रहा है। चर्चित दादरी कांड पर भाजपा के जो विपक्ष हैं, वह इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे पे कहा कि मुझे शर्म आती है, चाहे वह हिंदू मरे या मुसलमान, सवाल तो इंसानियत के मरने का है। आरोपियों को लेकर उन्होंने कहा, आरजेडी जदयू कांग्रेस के शासनकाल में हो सकता है कि जिन्होंने जुर्म किया हो उनको सजा दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा नहीं होता, ये तंज उन्होंने अपनी सभा में कसा। खैर, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसकी कामना भी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस तरह की होने वाली घटनाओं पर भविष्य में कितनी लगाम लग पाती है और कितने नए कानून आते हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। बिहार से जीएनएन न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव के चर्चित बयान गौमांस को लेकर सुशील मोदी ने उन पर जमकर निशाना साधा, कहा यह किसी भी राजनीतिक दल के हक में नहीं। समस्तीपुर के विभूतिपुर के राघोपुर में सभा को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव वोट के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं। सनद रहे कि लालू का एक विवादित बयान आया था गौमांस को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमले बोल रहा है। विपक्ष का मानना है कि जैसे ही नीतीश ने इस पूरे मामले से किनारा किया, मानो लगता है महागठबंधन टूट गया। लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है और हिंदू भी गौ मांस खाते हैं। मैं राघोपुर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई हिंदू कभी अपनी जिंदगी में गौ मांस खा सकता है? कभी खा सकता है तो बताइए। ये गौ मांस की बात करने वाले लालू यादव। लालू और नीतीश की दोस्ती पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद भी नीतीश ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया, इसका अर्थ क्या निकाला जाए। 2G स्पेक्ट्रम मामले को लेकर सोनिया गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ चारा घोटाला में भी लालू का नाम लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपको बिजली चाहिए या लालटेन। सनद रहे कि विवादित बयान पर लालू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार विपक्ष उन्हें घेर रहा है। बिहार समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही, होगी फिर मुलाकात, आप बने रहिए जीएनएन न्यूज के साथ।